नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। भगत सिंह युवा दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, युवाओं और युवतियों ने मारी बाजी। जनपद मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ क्षेत्र में आज भगत सिंह युवा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों युवाओं और युवतियों ने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 5 किलोमीटर व 400 मीटर की रेस में युवाओं और युवतियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर शुक्र तीर्थ का नाम रोशन किया। दौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य अमित राठी व शुक्र तीर्थ के साधु संतों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आज युवाओं ने 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में क्षेत्र में कई युवाओं ने अपना हाथ आजमाया और पहला स्थान प्राप्त किया। दौड़ प्रतियोगिता में पहले, द्वितीय, तीसरे स्थान पर युवतियों को जीत हासिल करने पर कार्यक्रम आयोजकों और मेहमानों ने उन्हें टी शर्ट, नकद इनाम व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वही दौड़ प्रतियोगिता में बालिकाओं ने भी बाजी मारी। दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन देखने के लिए क्षेत्र के आसपास के युवाओं की भारी भीड़ मौजूद रही। जनपद में पहली बार बालिकाएं भी रॉकेट की तरह दौड़ी और 400 मीटर की दौड़ में कई बालिकाओं ने पहला, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्हें आयोजकों और मेहमानों ने टी शर्ट, नकद इनाम और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। गाँव सुख तीर्थ में शहीद भगत सिंह युवा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष युवा कमेटी के द्वारा किया जाता है। मैं अपने युवा भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्होंने शहीद भगत सिंह, जो पूरे ही देश के हमारे युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी स्मृति में जो ये दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हमेशा होता है हर वर्ष, ये आगे भी भविष्य में और भव्य सुंदर आयोजन लगातार चलता रहे। फर्स्ट में कौन आया और क्या प्राइस दिया गया? फर्स्ट में जो लड़का शिवा है उसको 7100 रुपए और शील्ड प्रदान की गई। युवाओं के लिए कोई मैसेज? युवाओं के लिए जैसे कोरोना का समय चल रहा तो दौड़ प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं हमारे बीच में अगर लगातार चलती रहेंगी तो कोरोना पे हम बहुत जल्दी विजय पा लेंगे।